हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बस वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले इसकी हम होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो आपका होम स्क्रीन आपको टू फिंगर से कुछ इस प्रकार से पिंच आउट करना रहेगा। पिंच आउट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम उसको नेक्स्ट करते हैं और ओके ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ से अपने कुछ यहाँ से अगर रिमूव करना चाहें स्क्रीन से, तो एग्जांपल इनको अगर आप रिमूव करना चाहें, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपका रिमूव का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप इस पर टैप करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इनको ड्रैग डाउन करना चाहें तो एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को, तो आप वो भी इनको ड्रैग डाउन कर सकते हैं इस प्रकार से किसी भी पेज पर। ओके, वो भी ईजिली आपका हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वॉलपेपर, विजिट्स, ये सब देखने को मिल जाता है। तो पहले हम वॉलपेपर पे चेक करते हैं कि कितने वॉलपेपर हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर आप किसी को अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको टैप करके यहाँ से अप्लाई वाले टैप पर अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर सेटस बूथ देखने को मिल जाएगा आपको, सेट टू डेस्कटॉप और सेट टू लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम सेटस बूथ कर देते हैं, ये दोनों जगह अप्लाई हो जाता है हमारा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको विजिट्स देखने को मिलते हैं। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक, वेदर क्लॉक, आई म्यूज़िक वगैरह, ये सब के क्लॉक देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप क्विक एक्सेस कर पाएंगे काफ़ी सारी चीज़। जैसे आपकी जीमेल चेक करनी हो तो वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इनकी डायनेमिक स्लाइड देखने को मिल जाती हैं। ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप इनको किस प्रकार से स्लाइड कराना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो भी आपको पसंद हो आप उसको रख सकते हैं यहाँ पे चूज़ करके। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सा आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हम होम स्क्रीन स्टाइल के बारे में, जो कि ड्रॉअर स्टाइल हो रखा है। इसको यहाँ पर सिंपल सा फ्रेंड्स, हम चाहें तो स्टैंडर्ड मोड कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मोड कर देंगे तो आपके सारे एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं, और ड्रॉअर मोड करेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशन आपके एज अ मेनू बार की तरह आते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद गाइज, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका स्क्रीन लेआउट रहता है जो कि 5:6 हो रखा है। इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये क्लिक हो जाता है तो, फिलहाल तो ये क्लिक नहीं हो रहा, बट हो सकता है कि आपके फ़ोन में क्लिक हो जाए, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट फ़ोन लिया है, इसमें मैंने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं, इसलिए ये नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो लॉक लेआउट देखने को मिल जाता है। अगर आप अपना लेआउट लॉक करना चाहें तो वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। गाइज, काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो डायनेमिक आइकॉन, इसको आप टैप कर सकते हैं तो आपके डायनेमिक आइकॉन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ और भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऐप आइकॉन आफ्टर ए ऐप इज़ डिलीटेड, आपका ऐप डिलीट होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका उस जगह पर दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है। ओके गाइज़, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि आप होम स्क्रीन की सेटिंग्स समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि आपको कैसे यूज़ में लेनी है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर डार्क मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको आपका नोटिफिकेशन सेंटर डाउन करना है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डार्क मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल सा आपको इस पर टैप करना है और आपका फ़ोन डार्क मोड में स्विच हो जाता है काफ़ी ईजी तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फीचर आपको ये देखने को मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन को डार्क मोड में स्विच कराना चाहें तो वन टैप के साथ आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं, और डार्क मोड से आप आउट भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली जाती है। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है आइज़ प्रोटेक्शन का। तो आइज़ प्रोटेक्शन पर जब आप टैप करेंगे तो आपकी डिस्प्ले थोड़ी येल्लो हो जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा आपके सामने, मैंने इस पर टैप किया था तो आपकी डिस्प्ले कुछ थोड़ी येल्लो टाइप हो जाती है। तो इसके थ्रू आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को येल्लो येल्लो येल्लोनेस में थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, मतलब कि आपकी डिस्प्ले जो है वो नॉर्मल ऐसी है जो कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे काफ़ी ब्राइट रहती है। बट आप जैसे ही इस्तेमाल करते हैं आइज़ प्रोटेक्शन को तो आपकी डिस्प्ले थोड़ी येल्लो हो जाती है, जिसकी मदद से आपकी आंखों पर इतना असर नहीं पड़ता और आपकी आंखें काफ़ी हद तक सेफ रहती हैं। यहीं पे गाइज, आपको आपके नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइक लो पावर मोड। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है काफ़ी हद तक और आप अपनी बैटरी को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, मतलब कि फ़ोन डाउन होने वाला है बट आपके पास अभी चार्जिंग करने का टाइम नहीं है, तो आप लो पावर मोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी 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 हेल्प से आपका फ़ोन काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म तक चलता है, क्योंकि ये आपकी बैटरी को सेव करता है और आपकी बैटरी कम से कम यूज़ में देता है फ़ोन के लिए, जिसकी मदद से
आपकी बैटरी काफ़ी देर तक चलती है। तो गाइज़ ये सारी सेटिंग्स तो आपको यहाँ पर देखने को मिली जाती हैं, साथ ही साथ आपको साइलेंट मोड भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और इस साइड आप जब सो करोगे, दूसरा ये दो साइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ आप आके देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट इनेबल कर सकते हैं सिंपल तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे गाइस तो आपको सुपर सर्वर देखने को मिल जाता है, इससे भी आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। और आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। पर्सनल हॉटस्पॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिल जाता है। कैमरा लॉन्च करना चाहे तो यहाँ से आप कैमरा भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी नॉर्मल सेटिंग्स रहती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ मैं, जो कि हिडन फीचर्स रहने वाले हैं। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप अपनी सेटिंग्स में आएंगे, आपको थोड़ा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपकी डिस्प्ले पे, जैसे कि यहाँ पे है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इस पर आपको टैप कर लेना है। फिर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे एक स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मोशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। स्मार्ट मोशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट कॉलिंग, तो स्मार्ट कॉलिंग पे आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे आप टैप कर लेते हैं, तो इसलिए स्मार्ट कॉलिंग पे आप टैप कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस सबसे पहला ऑप्शन है स्मार्ट कॉल का, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो क्या होगा वो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है यू कैन कॉल ए कॉन्टैक्ट बाई पुटिंग द फोन नियर योर ईयर। आपने मतलब इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप कॉल कर पाओगे अपने कॉन्टैक्ट में, जब अपने कान के पास अपने फ़ोन को पुट करेंगे। When on the contact detail message third message और call detail interface, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने कॉल कर पाएंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट आंसर वर का, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट आंसर देखने को मिलेगा। ये बोल रहे हैं when receiving a call place the phone near योर ईयर, आप अपने कान के पास फ़ोन को ले जाएंगे और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है और वो कॉल आंसर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख रखा है ऑटोमेटिकली पिक अप द कॉल, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट स्विच, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगा स्मार्ट स्विच के अंदर व्हेन यूजिंग हैंड्स फ्री कॉलिंग पिक अप द फोन एंड प्लेसिंग इट नियर योर ईयर विल ऑटोमेटिकली स्विच टू हैंडसेट। ये बोल रहा है कि आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास ले जाओगे तो स्पीकर पर अगर आपका फ़ोन होगा और अपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कन्वर्ट आपके फ़ोन के ईयर रिसीवर, यानी कि इसके लिए जैसे यहाँ से आवाज़ आ रही होगी स्पीकर पर रखा है, कान के पास ले जाओगे तो इसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, सिंपल तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मार्ट म्यूट, ये क्या रहता है बेसिकली व्हेन द फोन रिंग्स, आपका फ़ोन आएगा आपके फ़ोन पे कोई कॉल आएगी, कवर द स्क्रीन विद योर हैंड टू म्यूट द कॉल, आप अपने स्क्रीन को ऐसे कवर कर लो आपका फोन म्यूट हो जाएगा। इसके बाद है वेव टू हैंड्स फ्री व्हेन देयर इज इनकमिंग, ठीक है, आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आती है वेव योर प्लम एक्सेस द टॉप द फोन, मतलब आपने फोन का जो टॉप है उसको आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर टू आंसर हैंड्स फ्री, यहाँ से अगर आपने फोन को ऐसे अक्रॉस करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका फोन आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली हैंड्स फ्री की तरफ। तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे और आप इनको यूज़ में भी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो अगर आपको ये फीचर्स पसंद आए हों, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला ही रहता है। सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एस कैप्चर का एक फोन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे आपको टैप करना है। इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रिकॉर्ड एनिमेशन देखने को मिल जाता है, फनी स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, ठीक है, और रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इजी तरीके से यहाँ से आप ये सब तो देख ही सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जस्टिस और भी हैं जिस बारे में आपको भी बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप किस तरीके से और कैसे कैसे ले सकते हो। आप थोड़ा नीचे जाएंगे, जैसे फ्रेंड्स आप नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इजी तरीके से शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का एक ऑप्शन, इसमें आपको जाना है। इसमें आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एस कैप्चर का, यहाँ पे इसको आप टैप करेंगे। इसको आप टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है स्लाइड डाउन विथ 3 फिंगर्स टू टेक ए क्विक स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप स्वाइप डाउन करोगे 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से लॉन्ग स्क्रीन का ऑप्शन, लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, और शेयर भी कर सकते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपका स्क्रीन शॉट फ्लोटिंग विंडो जो कि अभी यहाँ पे सो ही उसको फ्लोटिंग विंडो बोलते हैं, वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट वाले ऑप्शन को। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो डिलीट शेयर्ड स्क्रीन शॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आप अपने स्क्रीन शॉट को जैसे ही शेयर करते हैं ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन शॉट लिया था आपने वो डिलीट हो जाता है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट लेके दिखाने वाले हैं आपको, साथ ही साथ लॉन्ग स्क्रीन शॉट भी लेके दिखाने वाले हैं। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे थ्री फिंगर से स्क्रीन इस प्रकार से करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग स्क्रीन शॉट पे क्लिक करना है आपको, और अब ये आपका ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ जाएगा और आप जितना चाहें उसको डन कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं जाता है, इसमें आपको हाथ से करना पड़ेगा गाइस। यहाँ तक हम इसको रखेंगे और इसको हम सेव कर देते हैं। तो लॉन्ग स्क्रीन शॉट जनरेट हो चुका है ये वाला, आप इसको चाहें यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ से अगर इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके अंदर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, क्लिप वगैरह कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, टेक्स्ट पे जाके उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं कोई से फॉन्ट में। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली जाती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी स्क्रीन शॉट की सेटिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर में आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड स्क्रीन, इसको प्रेस एंड होल्ड रखना है और आप पहुँच जाते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्प्ले टच जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, इस प्रकार से आपको एक डिस्प्ले टॉगल देखने को मिलता है, उसको यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से बोल रहे हैं कि आपको अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड साउंड में मतलब माइक्रोफोन साउंड लगाना है, या फिर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको रिकॉर्ड साउंड में के अंदर आपको माइक्रोफोन साउंड लगाना है, या फिर आप यहाँ से डिवाइस करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो सिस्टम साउंड के अंदर आपको मोबाइल का साउंड रिकॉर्ड होगा, जो भी आपके मोबाइल के अंदर एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होती है, और माइक्रोफोन साउंड के थ्रू आपका माइक काम करता है, या फिर इसके अंदर कोई अपने हेडफोन जैक लगाया तो उसका माइक काम करता है। पिक्चर क्वालिटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मेरी पिक्चर क्वालिटी हाई या लो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाई सिलेक्ट करके रखी हुई है, तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट डिस्टर्ब, आपकी रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में रहेगी तो यहाँ से आप आपका डू नॉट डिस्टर्ब भी इनेबल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम आपको कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा। ओके, तो ये सब रहता है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। सिंपल तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको यहाँ से हम पॉज करेंगे, पॉज कर सकते हैं, और इसको यहाँ से हम सेव करेंगे। तो हमने ये सेव कर दी और यहाँ से हम इसको प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। सिंपल तरीके तो ये अभी आपके सामने प्ले हो रही थी, इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो।